अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज का जो मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, मॉर्निंग कर रही हूँ सुबह से। अभी मैं उठी हूँ, मुंह वगैरह धोया है और अब मैं जाऊँगी शावर लेने के लिए। उसके बाद मुझे रेडी होना है क्योंकि आज एक कुरान खाने में जाना है। बहुत से लोग कहते हैं आप हमेशा ऐसे करके व्लॉग स्टार्ट करती हो, तो आज मैं यहाँ खड़ी होकर व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा चेंज हो जाए। सो अब बस फ्रेश होते हैं और पहले मैं थोड़ा बहुत नाश्ता कर लूँ, उसके बाद कपड़े निकालते हैं, उसको आयरन करते हैं और फिर शावर लेके रेडी होते हैं क्योंकि आज कुरान खाने में जाना है। सो चले, बस मैंने ब्लॉग स्टार्ट करना था और थोड़ा चेंज करना था तो ऐसे स्टार्ट कर लिया, ठीक हो गया। ओके जी, तो ये वो सूट है जो मैंने लास्ट ईयर एथेनिक से लिया था, लेकिन मैंने इसे बहुत रेयरली पहना था, एक ही दफ़ा पहना था, उसके बाद मैंने ऐसे ही रख दिया था। ये लॉन का है और जो है वो पहना ही नहीं किया क्योंकि सर्दियाँ आ गई थी, फिर तो मौका ही नहीं मिला इसे पहनने का। तो बस मैंने ये निकाला है, मैं जल्दी से इसको प्रेस करूँगी और प्रेस करके रेडी होकर निकलेंगे क्योंकि जाना है और जो है वो थोड़ा मार्केट में भी काम है, उधर भी जाना है, तो मुझे स्लीपर्स लेनी है अपने लिए और एक दो और भी काम है तो वो भी आज सॉर्ट आउट करने। तो मैं जल्दी जल्दी से जो है वो पहले कपड़े प्रेस कर लूँगी। मैंने अपनी हेल्पर को कहा था कि प्रेस कर दो, लेकिन वो कोई और काम कर रही थी, तो मैंने कहा ठीक है आप छोड़ो, मैं खुद ही प्रेस कर लूँगी। और बस मैं इसको प्रेस कर लूँ फिर मैं जल्दी से फ्रेश होने जाऊँ। सो कपड़े आयरन हो गए, मैं उठ गई, रूम सॉर्ट आउट कर लिया, अब नाश्ता करूँगी, शावर लूँगी और फिर रेडी होके हम लोग जाएंगे। और 2 बजे का टाइम है और अभी 1 बज रहे हैं। सो बस अब मैं नाश्ता वगैरह करके फिर शावर लेती हूँ। हेलो एवरीवन, सो रेडी मैं हो गई हूँ और हम लोग बस अभी निकल रहे हैं। सो आई थॉट थोड़ा सा बता दूँ आपको, थोड़ा सा व्लॉग कर लें, लेकिन गर्मी बहुत लग रही है और व्लॉग करने का दिल भी नहीं चाहिए क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा पंखा बंद करके जब बोलना पड़ता है बड़ी मौत पड़ती है। पंखा बंद करके जब बोलना पड़ता है ना बड़ी मौत पड़ती है। सो अभी हम लोग निकलने लगे हैं। वैसे ये मुर्गा बोलता नहीं है, हमारे पड़ोसियों का है, लेकिन जब मुझे व्लॉग करना होता है ना तो ये साहब भी पहुँच के पहुँचता है यहाँ पर। सो ओके जी, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। जो है वो कुरान खानी हम लोगों ने अटेंड कर ली थी और उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं मीरपुर खास, क्योंकि हमें मार्केट में थोड़ा सा काम है तो वहाँ जाएंगे। और अभी हम लोग जो हैं वो खाला के घर आए हुए हैं क्योंकि उन्हें साथ लेके जाना है, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट में काम है अम्मा को और उन्हें थोड़ा बहुत आइडिया है इस चीज़ का। तो माशाल्लाह से इनका ड्राइंग रूम बहुत ही अच्छा सेट हुआ हुआ है। सो हम लोग ड्राइंग रूम बैठे थे और उसके बाद जो है वो सब ने चाय वगैरह पी के अभी हम लोग जो है वो मार्केट के लिए निकलेंगे और फिर मुझे जो स्लीपर्स लेने वो लेंगे। और यहाँ पे जो है वो थोड़ी बहुत हाइटी थी और उसके बाद अभी हम लोग बस निकल रहे हैं और बहुत थोड़ी थोड़ी मैंने क्लिप्स बनाई आप लोगों के लिए। उसके बाद हम लोग आ गए बाटा, यहाँ से मुझे अपने लिए स्लीपर्स चाहिए थी तो स्लीपर्स मैंने ले ली। अभी हम लोग जो है वो घर के लिए निकल रहे हैं, घर जाके सीधा हम लोगों ने कज़न की तरफ जाना है क्योंकि थोड़ा काम है उधर भी। आज का जो डे था बड़ा ही कोई हैक्टिक था, सुबह से निकले हुए हैं और अभी तक जो है वो घर जाएंगे, घर जाके जो है वो थोड़ा बहुत फ्रेश अप होंगे और फिर जो है वो कज़न लोगों की तरफ चले जाएंगे और लेट्स सी कि जो हमारे काम हैं वो होते हैं नहीं होते। तो अभी कज़न लोगों की तरफ जाएंगे घर जाके। कज़न लोगों की तरफ आए हुए थे तो फिर उसने कहा आ जाओ थोड़ा वॉक पे भी चलते हैं, मामा लोग बातें कर रहे हैं और हम थोड़ी बहुत चीज़ें जो हमें चाहिए खाने के लिए हम वो भी ले आते हैं। तो मैंने कहा चलो सही है, ऐसी चीज़ों में तो आपकी बहन वैसी बहुत शेर है खाने। कौन सी पेप्सी दे दे, पेप्सी दे दे। बस ये ले, 50 हो गए ना जी। बस मिल्क दे दे, कितने हो गए ये लेनी अगे थोड़ी खा गई यार, मैं व्लॉग नहीं बनाया उहदा चटनी दा और सैंडविचेस दा। गुलेन बुलबुले मुझे पता है बच्चों का है, मेरा दिल चाह रहा है लेने का। चलो
रुको मुझे लेके जाना साथ। हाय एवरीवन, अभी हम लोग वॉक पे गए थे, वॉक के बाद हम लोग चीज देने गए, उसके बाद हमने शॉपकीपर से बुलबुले लिए तो वो कहता आपने ये क्या गिनने, ये तो बच्चों के, ये पता नहीं मैं भी बहुत बड़ी बच्ची हूँ, ये ऐसे ना एक पकड़ते थे मेरे मेरे बाल नहीं चढ़ना इन्हें जरूर दिखाती हूँ, कहते मेरे बाल नहीं चढ़ना इन्हें, ये ऐसे करके ना इसके ऊपर डंडी पे डाल देते, फिर मैंने लिया है आए हाय अच्छी पै गया, फिर ऐसे करते थे जो उर्दू बोले ये मेरी कजन कह रही है उर्दू बोल रहा है पंजाबी, मैं आपको ना ये बुलबुले मैजिक दिखाने के बाद में आपको इससे मिलवा दूंगी, शायद ये मुझे कह रही है मैं भी शायद कहीं से मैं आपको लगती हूँ मैं भी शायद जैसी लगती है, और बहुत से लोग कहते हैं क्रजी जैसी बहुत शदा हो गया है व्लॉग, लोग ज्यादा नहीं देखेंगे शदा को मैन करने, अभी ये बनाए ये ऐसे फुलाएगी फिर मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी सही। हेलो एवरीवन, तो सीन कुछ ऐसे है कि आज है 15 मार्च और मेरी कज़न की जो बर्थडे है ना वो है 20 मार्च को, और उसने ऑलरेडी कोई पार्टी प्लान की हुई है अपनी, छोटा सा गेट टुगेदर रखा हुआ है कज़न का, और जो है मैंने सोचा आज उसको प्री बर्थडे सरप्राइज़ देते हैं, वो ऑलरेडी हमारे पास रहने आई हुई थी सो आई गेस के जो है ना वो छोटा सा उसको हैप्पी बर्थडे का सरप्राइज़ देते हैं। भाई को मैंने अभी भेजा केक लेने के लिए, वो आता है उससे पहले मैं थोड़ा सा टेबल को डेकोर करती हूँ और उसे अपने कमरे में भेज दूँगी और खुद साथ वाले रूम में चली जाऊँगी, क्योंकि वो भी इतनी जल्दी नहीं सोती मैं भी नहीं सोती, तो मैं उसे ये भी नहीं कह सकती कि तुम सो जाओ, 12 बजे हम उसको सरप्राइज़ देंगे और उसको अपने साथ वाले रूम में भेजूँ, इधर अपने रूम में बिठा दूँगी कि यार मैं उस रूम में एडिटिंग कर रही हूँ या वॉइस ओवर लगा रही हूँ तो तुम इधर बैठो, फिर वहाँ से हम लोग अचानक आएंगे और उसे सरप्राइज़ देंगे। उससे पहले मेरी आइसक्रीम जो है ना वो बिल्कुल पिघल गई है कुल्फा बल के, सो मैं इसे फिनिश करती हूँ और फिर आप लोगों के साथ बाकी अपडेट शेयर करते हैं। ओके एवरीवन, सो यहाँ पे हमने केक मंगवा लिया, उस पर लिखवाया है प्री हैप्पी बर्थडे, कवल भी लिखवाना था लेकिन भाई ने फिर लिखवाया नहीं, अंदर कज़न बैठी सॉन्ग सुन रही है और जो है दरवाज़ा बंद कर दो तो, और यहाँ पे अभी हम लोग अंदर लेके जाते हैं, वो अंदर सॉन्ग सुन रही है, उसको छोटे से सरप्राइज़ देते हैं, ये गिफ्ट्स हैं ठीक है, और ये जो है वो चीज़ों के लिए बास्केट बनाई थी, और ये भी छोटी सी कैंडल है, ये पार्टी पॉपर है, सो बस अब रूम में चलते हैं और बाकी बात वहाँ जाके करते हैं हम, चलें बच्चों yes! चलें अंदर चलते हैं, वो मैडम सॉन्ग सुन रही है, हमजा गेट खोलना ज़रा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर कवल, हैप्पी बर्थडे टू यू, ये एक्सप्रेशन चेक करें लड़की के आप कैसा लग रहा है आपको आपका प्री बर्थडे का सरप्राइज, बहुत अच्छा लग रहा है थैंक यू। अब हम आपको इसके रिएक्शन नहीं दिखा सकते वरना जरूर दिखाते, हमने बड़ी मेहनत करके केक मंगवाया, केक उल्टा रखा हुआ सीधा करना, हमने कवल भी लिखवाना था ऊपर लेकिन मेरा भाई लिखवा के नहीं लाया, चलो खैर सीधा कर यार, चलो जी अब हम केक काटते हैं, पिक्चर शिक्चर लेते हैं इसकी, और फिर आप हमें कहाँ पे ट्रीट दोगी, मैं ब्लॉग बना रही हूँ सब सबके सामने आपको देनी पड़ेगी वरना हम आप सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर देंगे, हमको अब जहाँ बोलेंगे वहाँ ट्रीट चाहिए, चलो भाई केक कटिंग करते हैं, अब पार्टी पॉपर फाड़ देना अमर, चलेगी चलेगी, हैप्पी बर्थडे ये आफ्टर सीन है, पूरे रूम में मेरा गंदा कर दिया, अब झाड़ू कौन निकालेगा, रात को तो मासी भी नहीं आती, चले पार्टी ओवर, हाय हमजा हैप्पी बर्थडे, हाय मीरा हैप्पी बर्थडे, हाय कवल हैप्पी बर्थडे, हाय हाय अमर हैप्पी बर्थडे टू यू, हाय ब्रो हैप्पी बर्थडे, मेरा स्टैंड गया यार, ये किसने बीच में रखा, रखना बहुत गंदा हो गया कमरा, हमजा आप केक कटिंग कर रहे हो सबके लिए, हाय हैरी पॉटर ना, हाय हैरी पॉटर, इसको हमने पूरा केक के साथ भर दिया इसका इलाज, हाय ब्रो ये बेचारा हमेशा मूंछ पाता रहता है क्योंकि इसकी वीडियो बहुत गंदी आती है। ओके एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है और हम लोगों ने रात बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट की, थोड़ा सा मस्ती शस्ती की
और अभी मैं उठी हूँ, बहुत लेट उठे हम लोग क्योंकि रात सोई हम लोग 5 बजे और अभी मैं उठी हूँ 2 बजे। और अभी से नाश्ता तो मैंने थोड़ा सा आइस केक खा लिया रात वाला, क्योंकि रात ऑब्वियसली खाया नहीं गया था। और अभी जो है ना वो मेरा दिल चाह रहा है बर्गर खाने का, वो जो मार्केट से बर्गर नहीं मिलता कभी कभी, मुझे उसकी बहुत क्रेविंग होती है, मेरे मामा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो। सो मैं कज़न को कह रही हूँ कि चलो बर्गर खाते हैं, और जाते हुए कज़न के घर भी थोड़ा छोटे सा काम है, उधर भी चल लेंगे और ना बर्गर भी खा लेंगे और क्रेविंग भी पूरी हो जाएगी। सो देखते हैं अब क्या प्लान्स बनते हैं क्या नहीं, तो फिर आप लोगों के साथ ही रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे, क्योंकि हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो फ़ौरन कैमरा उठा लेते हैं कि चलो भाई ब्लॉग तो करना बनता है ना। सो लेट्स सी। ओके जी, तैयार शहर हम हो गए। तैयार शहर ये कि नाइट सूट पहना है, नाइट सूट में बाहर जा नहीं सकते, तो मैंने सोचा इससे अच्छा बाहर ही लगा लेते हैं यार, कौन इतना मेहनत भाग दौड़ करे। और कपड़े प्रेस करें बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, और लाइट भी नहीं थी, लाइट 15 मिनट बाहर आएगी। और जल्दी आना है, जल्दी आना है, क्योंकि आके मुझे क्लास देनी है अपने स्टूडेंट्स को मेकअप की, और कोरोना फिर से पीक पे है। सो आई थॉट कि अभी मास्क लगा के जाना है, भले आपने कहीं भी जाना है, और सैनिटाइज़र मस्त रखना है। सो बस अब चलते हैं, और ये मास्क मैंने खुद स्टिच करवाया था, ठीक है। इस बारे में बहुत से लोग उनको क्वेश्चन पूछते हैं, सो आई थॉट मैं क्लियर कर दूँ। चलेंगे बस, चलो भैया प्लीज़। ओके जी, तो फिर हम लोग आ गए यहाँ पे बर्गर खाने के लिए, लेकिन ना मुझे अंडे वाला बर्गर अच्छा नहीं लगता है, सादा बर्गर अच्छा लगता है, और पेटी ज़्यादा अच्छे लगते हैं एज़ कम्पेयर टू बर्गर्स। तो वो तो कज़न ने मंगवाया, मैंने बट थोड़ा थोड़ा खाया, और जो है वो हमने मंगवा ज़्यादा लिया था, लेकिन हमसे बस एक ही प्लेट फिनिश हुई। लेकिन जो है वो कभी कभी ऐसी चीज़ें भी खा लेनी चाहिए, पिज़्ज़ा सिंगर तो हम लोग डेली खा रहे होते हैं, इन चीज़ों की भी कभी कभी जो है ना काफ़ी ज़्यादा क्रेविंग हो रही होती है। तो बस अब यहाँ पे थोड़ा बहुत हमने 2 प्लेट्स मंगवाई थी, लेकिन ना हमसे एक ही प्लेट मस्सी फिनिश हो पाई। मस्सी जो कहते हैं ना पंजाबी का लफ्ज़ है, तो जो है वो बाकी टेस्ट ओवरऑल बहुत अच्छा है। जो लोग डिग्री में रहते हैं उन्हें तो ऑलरेडी पता है, पीछे नाम भी आ रहा है अख्तर के बर्गर या जो भी वॉट एवर नाम है। और इसके बाद जो है वो हम कज़न की तरफ जाएंगे, कज़न की तरफ आए हैं यहाँ पे जो है वो तस्बीह वगैरह पढ़ानी थी। इवन मैं नाइट सूट भी चेंज किया, बाया पहना था, मैंने कहा चलो ठीक है वहाँ जाके वजू कर लेंगे और जो भी पढ़ना है पढ़ लेंगे, क्योंकि हम कज़न कज़न ही थे। और जो है वो हमारे भाई ठीक नहीं है, मतलब इनके मेरी कज़न जो हैं उनके हस्बैंड, तो उनका एक्सीडेंट हो गया था, और बस उनकी सेहत के लिए दुआ करें। तो आप सब लोग भी ज़रूर दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और जो है वो लंबी ज़िंदगी दे, और अपने बच्चों के साथ अपने घर वालों के साथ खुश रखे। और इसी के साथ मैं अपने इस रैंडम से ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और ये 2 दिन का मिक्स एंड मैच ब्लॉग था, उम्मीद करूँगी आपको पसंद